इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। पूरा देश यौम आजादी मनाने की तैयारी कर रहा है, पर कोरोना ने पूरा निजाम ही दरहम बरहम कर दिया है। शायद मुल्क की आजादी के बाद ऐसा 15 अगस्त तारीख में पहली बार मनाया जा रहा होगा जिसमें स्कूलों को ही बंद रखा गया है। उमूमन यौम आज़ादी की रौनक बच्चों से होती है, सड़कों पर तिरंगा हाथ में लिए हुब्बुल वतनी के गीत गाकर एक तरह की खुशियां बिखेरने वाले बच्चे अब घरों में बैठे हैं। जो जश्न आज़ादी खुशियों के साथ मनाया जाता था अब वो कहीं नजर नहीं आएगा। खैर, सरकारी दफ्तरों में मखसूस लोगों के दरमियान जश्न यौम आज़ादी मनाई जाएगी। वैसे तो कोरोना ने चेहरों की मुस्कुराहट ही छीन ली है, कहर कोरोना का आज भी जारी है। आज बेलगाम जिले में फिर पॉजिटिव मरीजों की तादाद काफी रही। बढ़ते मरीजों के मद्देनजर होम आइसोलेशन होम क्वारंटाइन के कवानीन में तब्दीली की है। शहर और अतराफ के मरीजों को अस्पताल में दाखिले से पहले ही कोविड टेस्ट जरूरी कर दी गई है, लिहाजा आज भी मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही। बेलगाम जिला में आज भी 300 के करीब मरीज पॉजिटिव पाए गए। आज तकरीबन 10 की मौत वाके होने की इत्तला हासिल हुई है, तो 140 को आज डिस्चार्ज भी किया गया। अक्सर अवाम घरों में ही इलाज करना मुनासिब समझ रही, तो कई सारी समाजी खदमात अंजाम देने वाली तंजीमें घरों में इलाज करने की खदमात बखूबी अंजाम दे रही। हुकूमत भले ही सब कुछ ठीक चल रहा है का नारा दे रही हो, पर सच्चाई है कि भारत अब दूसरे नंबर की तरफ बढ़ रहा है। भारत में ब्राज़ील से भी ज़्यादा पॉजिटिव और मौतों के आंकड़े आगे जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। आज भारत में कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद 25 लाख के करीब हो चुकी है, तो मौतों का आंकड़ा भी 50,000 के करीब है। कर्नाटक में भी आज पॉजिटिव मरीजों को 2 लाख के करीब, तो मौतें 4,000 के करीब पहुँच गई हैं। सभी आवाम के सामने एक ही सवाल है कि आखिर कब ख़त्म होगा कोरोना का कहर। बेंगलोर फसाद के मद्देनजर आज बेलगाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर जनाब दस्तगीर आगा की जानिब से प्रेस नोट रिलीज की गई, जिसमें उन्होंने बेंगलोर फसाद की मजम्मत करते हुए कहा कि MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे बार बार तौहीन आमोज पोस्ट सोशल मीडिया पर शाया कर रहे थे, पर पुलिस की ताखिर आखिर तशद्दुद में तब्दील हो गई, जिसका नतीजा वो यह हुआ कि 3 अफराद पुलिस फायरिंग में मारे गए। मुस्लिम लीग की जानिब से मुतालबा पेश किया गया कि 3 अफराद जो जान बहक हुए हैं इन्हें 10-10 लाख का मुआवजा दिया हुकूमत की जानिब से दिया जाए, और जो शख्स शान रिसालत में गुस्ताख आमोज पोस्ट कर शहर के अमन को तहस नहस किया इस पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि फिर से कोई रिसाले नबवी में गुस्ताखी ना करे। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ता कोरोना का कहर, अंजुमन की जानिब से ऑक्सीजन के खदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। आजमनगर कैंप में अंजुमन की जानिब से इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फाइटिंग कोविड खोले गए हैं, जहां मुमकिन इलाज करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा कैंप केयर के नाम से कोंडपगली कैंप में क्लिनिक की इफ्तिताह जनाब आसिफ राजू सेठ के हाथों की गई। यह भी देखा जा रहा है कि अक्सर क्लिनिक बंद होने की वजह से, आज भी बंद है, कई सारे खुल चुके हैं, पर बंद होने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। कैंप की डॉक्टर नजहत के जेर निगरानी यह क्लिनिक दिन भर अपने खिदमात अंजाम देता रहेगा, इसका फायदा उठाए ऐसा भी ऐलान कैंप की जमातों की जानिब से किया गया। इस वक्त कैंप के जिम्मेदारान डॉक्टर नजहत, राजू सेठ, समीउल्ला माड़ीवाले और दिगर जिम्मेदार हजरात शरीक रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे कैंप के जिम्मेदार मिल के एक कैंप केयर करके डॉक्टर नजहत के केयर में एक क्लिनिक स्टार्ट की है। जहाँ काफ़ी क्लिनिक्स बंद हुए हैं, तो ये एक घर पे अपने इंतज़ाम किए हैं, हम इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अंजुमन से जुड़ के जो भी दवाएं की ज़रूरत पड़ेंगी, जो भी आगे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेंगी, हम इनके साथ हमेशा हैं, और कोशिश ये भी करेंगे कि और काफ़ी और भी डॉक्टर्स यहाँ पे जुड़ते जाएं, और जितना आज हम मेहनत करेंगे उतना लोगों को फ़ायदा होगा।
आज ह्यूमन होने की और ह्यूमैनिटी दिखाने की आज वक्त है, और आज हम घर पे बैठ के रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे तो जिंदगी का कोई फायदा नहीं होता है। तो मेरे सबसे दरखास्त है कि हर एरिया में ऐसे से आगे चल के आए। काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं भी हैं, उन्हें आप साथ में लिए, उनको मशवरा कीजिए उनके साथ में, और ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स आप ओपन करेंगे तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और फ्यूचर आगे आपको जो भी अंजुमन से ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा आपके साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखरुद, अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नुसरत व्यापारी। कैंप से वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी है हमारे लोगों के साथ जुड़ के वर्क कमेटी जो भी कर रहे हैं हमारे कैंप केयर की तरफ से, उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पेशेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमने चुना है इस काम करने को। बहुत से लोग हैं जो घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनसे अपील करता हूँ कि सामने आके ऐसे काम को अंजाम दें। और ये काम जो हम कर रहे हैं पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हर एक कौम के लोग उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम कौम के, नहीं, ये हर कौम के लोग यहाँ पे आके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल 7 से 9 बजे तक कैंप केयर के नाम से ये क्लिनिक चालू है, और इंशाल्लाह सेठ साहब भी बोले हैं आगे एक दो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, बल्कि दिन भर चालू रखने की कोशिश करेंगे हम। इसका फ़ायदा उठा लो आप सब लोग, और जो जो भी बीमार है, जो भी जरा भी सिम्टम्स है, तो बाहर आ जाओ खुल के, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा लंबा जाने को दो मत उसको। अस्सलाम वालेकुम, आज जो कैंप केयर के नाम से आज कैंप में कुंडोपा स्ट्रीट में जो फ्लू क्लिनिक चालू हुई है, ये हर कम्युनिटी के लिए है, और इसका हर जो आदमी परेशान है फ्लू या बुखार आ रही है, ये आके आप यहाँ पे अपना इलाज कर लें। कोरोना आलमी वबा के चलते उज्जवल नगर मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से उज्जवल नगर में सैनिटाइजेशन को अंजाम दिया गया। इस वक्त PFI के तमाम कारकुनान मौजूद रहे। सैनिटाइज करने से मोहल्ला वालों ने इत्मीनान की सांस भी ली, और इन PFI वालों का शुक्रिया भी अदा किया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी कंपनी में कैंपेन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। गंगाम के बहुत सारे इलाकों में सैनिटाइजिंग हो गया है, जैसे कि पंजी बाबा, बेगर नगर सोसाइटी, गांधी नगर, आजम नगर, शिवाजी नगर, ऐसे बहुत सारे इलाकों में हो गया है। उसके साथ साथ हमारे अब आज जो है उज्जवल नगर में हमारा सैनिटाइजेशन का काम स्टार्ट है, और उसके साथ साथ हमारे कैंपिन के कैडर्स जो है लोगों में एक अवेयरनेस देने का भी काम भी कर रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि लोगों जो वायरस से COVID-19 से जो बीमार रहे हैं उसको तवज्जो ना दें, उसके डरे मत। 97% लोग रिकवर हो रहे हैं और 3% लोग ही मर रहे हैं। कोरोना आलमी वबा के तहत गणेश त्योहार के लिए कुछ हुकूमत की जानिब से हिदायत दी गई हैं, जिसका इस्तकबाल किया जा रहा है। हुकूमत ने कुल 13 हिदायत गणेश मंडलों को दी है। हुकूमत का कहना यह है कि बड़ी मूर्तियां बिल्कुल ना बनाएं और सड़कों पर पंडाल डालकर बिठाने की बजाय मंदिरों में बिठाएं। वैसे भी हुकूमत की कोशिश यह थी कि इस बार बिल्कुल सादगी के साथ त्यौहार मनाए और ज़्यादा शोर शराबा ना करें। खसूसन गणेश त्यौहार में देखा जाता है कि फटाकों की आतिशबाजी बड़े पैमाने पर की जाती है, लिहाजा कोरोना के मद्देनज़र समझदारी से काम लेने का मशवरा हुकूमत ने दिया है। POP की मूर्तियां कतई ना बनाए, कहीं पर भी भीड़ ना करें, और भी दीगर हिदायत दिए हैं, सड़कों की बजाय मंदिरों में ही गणेश को बिठाया जाए, ऐसा कहा गया है। हम हर रोज़ आपकी खिदमत में अहम खबरें और अहम मौजू को लेकर आएंगे। कोशिश यही होगी कि सत्ता से सवाल किया जाए। अक्सर हमें यह कहा जाता है कि हम मोदी विरोधी, कई सारे फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस, कमेंट्स भी आते हैं, पर हम यह बताना चाहते हैं कि जो भी सत्ता में हो हम बेबाकी से सवाल करने की कोशिश करेंगे, भले अंधभक्तों को यह बुरा लगता हो। आप अपनी राय भी कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।